कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने से आकर रोड स्थित गांधीनगर शिव शक्ति नगर को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था। इन क्षेत्रों का समय पूरे होने पर जिला कलेक्टर ने मंगलवार को कंटेनमेंट मुक्त किया। रहवासियों ने जिला प्रशासन का शंख एवं ताली बजाकर स्वागत किया। उज्जैन कोरोना वायरस के कारण आगर रोड कई दिनों से कैंटोनमेंट कर दिया गया था। मंगलवार को आगर रोड स्थित गांधीनगर शिव शक्ति नगर कैंटोनमेंट क्षेत्र को कैंटोनमेंट से मुक्त किया गया। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने जनता से अपील की कि अपना क्षेत्र कैंटोनमेंट मुक्त होने के बाद भी आपको पूर्णतः जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के नियम का पालन करना होगा और आपके द्वारा यदि ईमानदारी से नियम का पालन किया गया तो शीघ्र ही पूरा उज्जैन शहर कैंटोनमेंट से मुक्त हो जाएगा। देखिए, आज पूरे उज्जैन जिले में हमने 6 क्षेत्र जो हैं कंटेनमेंट एरियाज हैं उनको कंटेनमेंट से मुक्त कर दिया है और इसका कारण है कि 21 दिन से इन एरियाज में कोई भी पॉजिटिव मरीज जो है नहीं आया है, जो गाइडलाइंस हमारी बोलती हैं। ये अत्यंत खुशी की बात है और ये दिखाता है कि इन कंटेनमेंट एरियाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा नियमों का पालन किया। वायरस चूंकि इन कंटेनमेंट एरिया में था लेकिन उन्होंने उसका संक्रमण दूसरी जगह नहीं फैलने दिया और 21 दिनों में वो पूरी तरीके से यहाँ इस क्षेत्र से गायब हो चुका है। तो बहुत मेहनत से और जनता के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ तक का लक्ष्य हासिल किया है और ये पूरा का पूरा संभव हुआ है जो हमारा बहुत ही स्ट्रांग लॉकडाउन और कर्फ्यू रहा है उसके कारण। अगर ज़रा से भी हम लोग इस पर ढिलाई करेंगे तो हम लोग फिर वापस दशा में पहुंचने वाली स्थिति में हो जाएंगे। तो आप लोगों के माध्यम से, पूरी जनता से, उज्जैन की जनता से ये मेरी अपील रहेगी कि लॉकडाउन और कर्फ्यू का 10-15 दिनों तक हम लोग और पालन कर लें और जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, राशन की व्यवस्था भी नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर करी जा रही है। आगे हम लोग सब्जियां भी अगले 2-3 दिनों में डोर टू डोर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बाबा महाकाल की नगरी में जो स्थिति बनी है कि 6 कंटेनमेंट एरिया आज मुक्त हो रहा है, इसके लिए यहाँ की जनता का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि बिना उनके सहयोग से स्थिति निर्मित नहीं होती। और जहाँ तक लॉकडाउन के पालन का संबंध है तो पिछले 3 दिन में हम लोगों ने फर्स्ट डे 162, सेकेंड डे 199, कल थर्ड डे 198, इस तरह के कुल 500 से अधिक मुकदमे हम लोगों ने कायम किए हैं लॉकडाउन के उल्लंघन में। तो हमारा पूरा प्रयास रहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, साथ में शालीनता भी रहे, दुर्व्यवहार भी न हो, लेकिन हर हालात में हम लॉकडाउन को पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।